भगत सिंह के लिए कहा जाता है। और आपको अगर पता हो तो मार्टर्स डे जो है वो बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं हमारे देश में, ठीक है ना। उसमें से एक दिन जो है वो 23 मार्च भी है। हालांकि 30th of January यानी कि जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है उसको भी जो है मार्टर्स डे मनाया जाता है। तो मार्टर्स डे हमारे देश में करीब करीब 4 या 5 दिनों को मनाया जाता है, बट उसमें सबसे पॉपुलर मेरे ख्याल से 23rd of March को ही मनाते हैं, एंड प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ भगत सिंह एंड हिज ग्रेटनेस एंड ग्लोरी। और भगत सिंह के लिए 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा बिफोर वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। फर्स्ट थिंग इज कि भगत सिंह, राजगुरु एंड अपने सुखदेव, तीनों को जो है लाहौर में ही फांसी दी गई थी 1931 में, 23 मार्च को। और उसमें से भगत सिंह वॉज एन एथीस्ट, ठीक है। और भगत सिंह ने जो है ये लिखा भी है अपने उसमें कि व्हाई आई एम एन एथीस्ट इज अ वेरी नाइस एसे विच यू कैन रीड एंड इट इज फ्रीली अवेलेबल दीज डेज। उसमें उन्होंने कहा भी है कि इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ वैनिटी दैट आई डू नॉट फॉलो रिलीजन, आई डू नॉट बिलीव इन गॉड, बट रादर आई हैव माई ओन रीजन्स। तो जैसे नॉर्मली क्या कहते हैं कि जब किसी को डेथ दी जाती है तो यूजुअली लोग अपना रिलीजन या रिलीजियस किसी टेक्स्ट को पढ़ के थोड़ा सा, है ना, उस तरीके से मानते हैं। तो उन्होंने नहीं पढ़ा। ये एक भगत सिंह की बहुत बड़ी ग्रेटनेस मानी जाती है। और भगत सिंह की जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है वो ये है कि दे हैव नेवर, भगत सिंह और ये सारे उनके जो पूरा ग्रुप था उन्होंने से किसी ने भी जो है कभी भी वो नहीं किया, दे हैव नेवर ट्राइड टू हर्ट एनी इनोसेंट पर्सन। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश राज में जो लोग थे। उन्होंने इस चीज़ का ऐलान भी किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, या लोगों को जो है सेल्फ रूल मिलना चाहिए, है ना। और बेसिकली भगत सिंह का अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल से लाला लाजपत राय के डेथ को जो है का रिवेंज लेने के लिए उन लोगों ने ये सारी एक्टिविटीज किए थे। तो लेकिन क्यों मैंने पैनल डिस्कशन रखा है या क्यों मैंने ये चीज रखी है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्हें एक टेररिस्ट का दर्जा देती है और जो है उन्हें एक टेररिस्ट कहती है। लेकिन गिवन एनी ऑफ द वेज, अगर हम टेररिज्म और फ्रीडम फाइटर की पूरी आर्ग्यूमेंट पे भी चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई भी रूल जो है भगत सिंह डिसओबे नहीं करते हैं या उनकी पूरी वो। और उसके बाद भी जो उनको टेररिज्म या टेररिस्ट कहना कितना ठीक है या नहीं है ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। एंड आई ओपन दिस डिस्कशन टू यू गाइस एंड ओपन दिस डिस्कशन और से दिस फ्लोर ओपन टू ऑल ऑफ यू कि व्हाट इज इट विच मेक्स यू थिंक दैट भगत सिंह इज ए फ्रीडम फाइटर। एंड सबसे पहले सोमेश ने हाथ उठाया है तो मैं पहले सोमेश से स्टार्ट करूँगा, हाँ बाकी लोग भी जो है कर लीजिए, उसके बाद शिवानी को हम चांस देते हैं एंड देन द रेस्ट ऑफ द पीपल कैन फॉलो, है ना। कि व्हाट इज इट विच मेक्स यू थिंक दैट ही इज ए फ्रीडम फाइटर एंड नॉट ए टेररिस्ट, ठीक है ना। थर्ड आशीष वाजपेयी के पास जाएगा। The floor is open to discussion. We can start hearing from सबसे सबसे पहले तो सर आपने ही सर बोला था कि अभी discussion के starting में ही कि the bomb जो assembly में भगत सिंह ने जो bomb फेंका था assembly में, it was not to hurt anyone in the assembly. It was just to make sure that the government should start listening to Indian citizen. This was the main reason. And हम सर इससे पहले भी देख चुके हैं कि बहुत सारे नॉन वायलेंस जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरह से दबाने का कोशिश किया था। जैसे सर 1919 का जलियन वाला बाग हो गया, उसके बाद जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया जिसमें सर लाखों लोग पार्टिसिपेट किए थे, वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा सर, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। और उसके बाद 1928 में जो साइमन कमीशन के अगेंस्ट हुआ था वो भी, मतलब उसमें भी सर पहले लाला लाजपत राय जी को उनको मतलब बुरी तरीके से मारा गया था और बहुत ही मतलब बोलते हैं अगेंस्ट द लॉ ट्रीट किया गया था लोगों को, जो मतलब इनह्यूमन तरीके से लोगों को ट्रीट किया गया था जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके लिए भी। तो भगत सिंह का वो जो मोटिव था वो इतना ही था कि वो लोग बस ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बता सके कि यू हैव टू लिसन टू अस, अदरवाइज वी आर
मतलब वो वायलेंस को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे थे। आप सर जो जजमेंट पास हुआ था भगत सिंह को लेकर के, उसमें भी सर, और ब्रिटिश हिस्टोरियन भी बोल रहे हैं कि भगत सिंह नेवर ग्लोरीफाइड द वायलेंस और वायलेंस टाइप ऑफ प्रोटेस्ट। सो सर आई थिंक ही वाज अ फ्रीडम फाइटर, नॉट अ टेररिस्ट एंड बाय एनी मोड। बाय एनी मोड शिवा ने, हां ठीक है शिवा ने कुछ कहना चाह रहे हो उसमें? Sir, it's Shivin, Shivin Diwan. It's Shivin, sorry, Shivin. Yeah, so I believe that Bhagat Singh was not a terrorist by any means. And the main reason why I don't consider him a terrorist is because he fought against combatants. And his main fight was not against non-combatants, but it was against the police of Britishers. Just the Indians bhi ho sakte because there were Indians also in there. But they were the organs of the British government in the very that's a fact. And in the definitions of in how we define terrorism, there is a fine line between what you call as who are combatants and who are non-combatants. So that's one of my main reasons why I don't consider him as a terrorist. And the second point I believe why he was not a terrorist because the reaction, the response of Bhagat Singh was a reaction of the earlier the death of Lala Lajpat Rai, which was a big thing for him, and so he considered it as his duty or as his dharma to avenge the death of Lala Lajpat Rai, and he targeted. Therefore, he took that step. Yeah. And I understand. That's why I believe that he was a freedom fighter, not a terrorist. Okay, Shivan, Shiven, thank you very much. Now let me go to Ashish Bajpayee. Yes sir, am I audible? Yes. Sir, first point I want to say sir कि जब पूरा इंडिया और जितने फ्रीडम फाइटर थे जब वो लोग एक इंडिपेंडेंस के लिए फाइट ले रहे थे तो भगत सिंह एक ऐसे थे जिनका एक सोशलिज्म के तरफ भी एक अलग पर्सपेक्टिव था। सोशल जस्टिस होना चाहिए जो और एक्सप्लॉयटेशन वो चाहे ब्रिटिशर्स के द्वारा हो या फिर इंडियन जो बड़ी पोस्ट होते लोग उनके द्वारा हो। और सर एक और पॉइंट था जो लाला राजपत राय का था, वो उनको अपना गुरु मानते थे और वो उनसे इंस्पायर्ड थे, बट जो लाला राजपत राय थे उनके पॉलिटिकल व्यूज थोड़े अलग थे उनसे, मतलब मैच नहीं करते थे, लाइक उनका थोड़ा हिंदू स्वराज उस तरफ था। बट देन ऑल्सो एक फ्रीडम फाइटर की डेथ के बाद उसके उसके लिए कुछ करना और अपनी कंट्री को ऊपर रखना, किसी अपने व्यूज को नीचे रख के, वो भी काफी बड़ी बात है। और सर he was a very very Karl Marx और Lenin की बुक, और सर उन्होंने जेल में भी काफी बुक्स पढ़ी, और सर बिना वायलेंस के भी उन्होंने काफी काम किया सर इंडिपेंडेंस के लिए। और सर जो अभी के टाइम में सर जितने लोग मूछ तान देता है या कोई वो पर उनकी इंटेलेक्चुअल और काफी सारी चीजों के बारे में बात नहीं होती इतनी जितना उन्होंने किया है। तो आई थिंक ही इज अ ट्रू इंडिपेंडेंट वॉरियर एंड वो कोई टेररिस्ट तो नहीं। ओके आशीष थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज। खुशहाल गुड आफ्टरनून सर। And sorry first of all because I'm in a public space so I have to wear the mask. Sir, my point was that we all have, all the speakers who have spoken till now, they have expressed their views regarding the fact that he wasn't a terrorist, and so do I believe that he, even, you know, thinking about is a kind of a shame for us that we are thinking even that we can even, you know, categorize him as a terrorist, because that was something that Western ideas has influenced us. But the point is that I would like I would like to, you know, go a step further. It is a story that's now almost more than a century ago. Almost we have it's been a century since his death, and have things changed till now?
the scenario we are living in, I personally believe that the universities and the college, they need to start recognizing and celebrating the 23rd of March, the day on which he was hanged, as something that has to be given more importance. We need to celebrate it in the same fashion we celebrate 2nd of October. And until and unless the students, and because he was a youth, and until and unless the youth does not comes up, and although in today scenario the voice of youth is just unheard, but still we can try, and we can compel the government to, you know, recognize that it not just as a martyr at the university. Yes, we could. Yes, we can start this thing in the calendar, that we have to celebrate 23rd of August, 23rd March. Of March every year as Martyrs, yes, Day in our university. As Martyrs Day. Yeah. Yes, sir. Very nice. That's a very nice suggestion. And I will try from Board of Cultural Activities to include it in the meeting. Harsh, aapka tha iske baad. Yes, sir. Sir, mera tha ki Bhagat Singh ji ne jo kiya tha, तो वो सर टेररिस्ट जो हमने पहले डिस्कस किया है कि जो अगर किसी कंट्री के लिए फ्रीडम फाइटर होता है तो जो अगर अगेंस्ट में करे तो उनके लिए टेररिस्ट बन जाते हैं. बट सर भगत सिंह के केस में मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि उन्होंने ना ही यूके जाके किसी नॉन कॉम्बेटेंट को सर टारगेट किया है, और अगर हम इंडिया में भी उन्होंने कॉम्बेटेंट को टारगेट किया था तो उनका पर्पस ये नहीं था कि वो थ्रेटन करे दूसरे लोगों को. उनका पर्पस ये था कि वो बताए कि हम अपनी चीजें मांगना चाहते हैं, हम फ्रीडम चाहते हैं इंडिया के लिए. और जो लाला लाजपत राय के लिए भी उन्होंने किया था, तो उसके पीछे एक बेसिक पर्पस था कि वो दिखाना चाहते थे कि हम चुप नहीं बैठ सकते, आपकी मतलब कि इतना टॉलरेंट हम नहीं बन सकते कि आप कुछ भी करें और हम बस उसको अवॉइड करते. I understand your point of view. Shruti, you and Kushal, you next. पहले श्रुति से पूछ लेते हैं. श्रुति, what are your views regarding this one? Shruti, if you can hear me. Yes, sir. Yes, sir. I also think that Bhagat Singh was a freedom fighter because he was very non-violent and he did not target the innocent people. और कुछ ऐड करना चाहती हैं, क्योंकि ये सारे तो पॉइंट्स मोर और लेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं. मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास पॉइंट्स नहीं, बिकॉज यूजुअली लास्ट में जब भी बोलने का होता है तो पहले वाले ज्यादातर लोग सारी चीजें बोल चुके होते हैं. बट मैं ये कह रहा हूँ कि कोई और भी ऐसी चीज है या समथिंग विच यू सी जो भगत सिंह या भगत सिंह के पर्सनैलिटी में था एंड विच नेवर कैन मेक हिम अ टेररिस्ट, बिकॉज ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है कहना उनको टेररिस्ट इज समथिंग विच इज वेरी हार्ड फॉर अस टू अंडरस्टैंड. तो इज देयर समथिंग मोर टू भगत सिंह जहाँ पे कि आपको लगता है कि हाँ इसके कारण से भी जो है आप उनको कभी भी टेररिस्ट नहीं कह सकते? और कोई चीज है, और कोई चीज आपने देखी या पढ़ी या कभी पता चला आपको कि मतलब कि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हैव बीन डिस्कस्ड ना, इसलिए पूछ रहा हूँ. और कोई बात नहीं है कि और कोई चीज है, एनीथिंग विच एड्स टू दैट? नहीं है शायद. चलिए कोई नहीं. खुशल, एनीथिंग विच यू विल लाइक टू एड? सर, जैसे कि बंदा 20 साल की उम्र में होता है तो उसकी पूरी लाइफ आगे पड़ी होती है, तो उन्होंने ये स्टेप उठाया तब भी अपनी पूरी लाइफ को देखते हुए, उनको इनके कॉन्सिक्वेंसेस भी पता थे कि उनके साथ क्या हो सकता है क्या नहीं, पर तब भी अपनी आवाज़ सुनाने के लिए कि अपने आप मतलब कि हमारे साथ गलत हो रहा है इसको बताने के लिए, ताकि उनके कान तक आवाज जाए, उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया. और वो भी एक सेफ एंड पे था, उनकी जो प्लानिंग थी वो पूरी ऐसी थी कि मतलब किसी को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, सिर्फ अपनी आवाज बताने के लिए उन्होंने और उन्होंने अपनी जान की आहुति भी दे दी. एंड स्पेशली एट द हां और स्पेशली एट अ यंगर एज इट इज नॉट इजी टू लीव लाइफ, है ना, एंड स्पेशली फॉर द मदरलैंड, है ना. तो वो चीज तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, तो इससे मतलब और किसी की जान लिए बगैर या वो जो बगैर
नुकसान पहुंचाए बगैर, क्योंकि वो हाई स्केल पे नुकसान पहुंचा सकते थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, लेकिन ये चीज सुननी पड़ेगी जो मेरे ख्याल से सुमेश ने भी बिगिनिंग में कहा था। बिल्कुल सही कह रहे हो आप भी खुशल। मेरे ख्याल से उसके बाद फिर कुछ लोगों ने फिर से हाथ उठाया है, पर मैं एक बार देख लेता हूँ चितवन ने क्यों हाथ उठाया। चितवन, आर यू रजिस्टर्ड फॉर दिस मीट? यू आर नॉट, राइट चितवन? इफ यू कैन हियर मी, हाथ उठा हुआ है लेकिन चितवन की आवाज नहीं आ रही। अच्छा चलिए, तो कुशाग्र और सोमेश ने फिर से हाथ उठाया था, उसके बाद आशीष ने भी उठाया था और शिवेन ने भी उठाया हुआ है। तो पहले कुशाग्र से सुन लेते हैं, फिर सोमेश से सुनते हैं, उसके बाद आशीष, फिर शिवेन। सर मतलब दो बातें हैं जो मतलब मैं था जो बाकी लोगों को तो मुझे रियलाइज हुई। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ सर, तो मतलब मुझे रियलाइज हुई, जैसे कि किसी ने बोला था कि उन्होंने एक मतलब यंग उसमें ये चीज़ें की या वो नहीं किया। सर जो मैंने बात कही कि हमें मार्टर्स डे सेलिब्रेट करना चाहिए, सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आई पर्सनली बिलीव दैट चिल्ड्रंस डे शुड बी सेलिब्रेटेड ऑन आई मीन नॉट ऑन 14th of November। एंड दिस इज सम आई अंडरस्टैंड कि हाँ पॉलिटिकल एजेंडाज हैं और इन्हें चेंज करना इतना आसान नहीं होगा, बट एटलीस्ट यूथ डे तो हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। हाँ तो तुम क्यों किसी चीज को पॉलिटिकल बना रहे हो भाई? तुम ये बोलो ना कि 23rd को जो है मार्टर्स डे बनाना चाहिए या यूथ डे बनाना चाहिए, कुछ भी इस तरीके का। हाँ सर, ये चीज चेंज करनी चाहिए। तो हाँ, नहीं नहीं सर, दैट आई अंडरस्टैंड। नहीं, वो तो बिल्कुल आपका सजेशन लिया गया है और इसको जो है मैं ऑन पेपर भी डालूंगा, दैट इज नॉट अ थिंग। सुमेश? हाँ सर, पहले सर यूथ डे सर 12 जनवरी को मनाया जाता है सर, स्वामी विवेकानंद को मतलब ये देखते हुए, तो मतलब अब यूथ डे हैज बीन रिजर्व्ड, सो वी विल थिंक ऑफ सम अनदर डे। नहीं, मार्टर्स डे 23rd जो है वो मार्टर्स डे तो डिक्लेयर्ड है, वी शुड स्टार्ट गिविंग इंपॉर्टेंस टू इट। एंड सर आई हैव अ काउंटर, बिकॉज़ वन ऑफ आवर पैनलिस्ट सेड दैट नाउएडेज गवर्नमेंट और सम मींस आज के दिन भी यूथ की आवाज को उतना सुना नहीं जा रहा है। तो अच्छा, मतलब क्या भगत सिंह जैसा एक्शन लेना जरूरी होगा? नहीं, लेट्स कीप दिस आर्गुमेंट फॉर सम अदर डे। ओके सर, सो प्लीज आई फर्स्ट लेट मी कंप्लीट, देन यू विल आंसर कुसार। सो आई हैव आई एम टेलिंग यू सर दैट व्हेन भगत सिंह डिड दैट काइंड ऑफ ही टुक दैट काइंड ऑफ एक्शन, ही रिटेलिएटेड means he retaliated in the consequence of Lala Rajpat Rai's death. So now, and at that time the government was not by the people of India. Today is government by the people of India. So there is lot of difference between today's scenario and the scenario which was at that time. So you can't say that now we need a Bhagat Singh to woke the government up. We can do it peacefully or in a मेरे ख्याल से आई विल गो विथ व्हाट कुशाग्र इज सेइंग दैट वी विल कीप द डिस्कशन फॉर सम अदर डे, बट बिफोर दैट मेरे ख्याल से आशीष, हर्ष और शिवेन तीनों ने ही हाथ उठाए थे, तो उन लोगों को भी सुन लेते हैं बिकॉज वी हैव अराउंड 7 minutes एंड देन वी विल रैप अप। कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं, आशीष से स्टार्ट करते हैं। आशीष कुछ कहना चाह रहे थे? हां सर, तो जो सर मेरा एक और पॉइंट डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ बोलो 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 बोलो, एक सेकंड में फिक्स कर देता हूँ, कोई और बोल देगा। हाँ तब तक शिवेन से सुन लेते हैं। सर अनदर पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक वाज लाइक कुशाग्र सेड दैट it's a matter of shame that we are debating this fact that was Bhagat Singh a freedom fighter? No, we are not debating. We are going for a panel discussion. We have no doubts about it. But it is on many levels it is being raised, be it the intellectuals of this country, the intellectual class on in this country, or maybe we haven't raised this
objections that British Parliament still refers to Bhagat Singh as a terrorist. So I'm saying that this is still a matter of debate, only because we haven't been very clear on it, and we haven't taught the younger generation that no, Bhagat Singh was a freedom fighter outright, and there is no way that he can be considered a terrorist in any way possible. And this is because when the sanctity of the law can't be maintained by the government, when the law is not an expression of the will of the people, then people have to take the law in their hands in whichever way possible and do whatever is good for the people. And he in no way suppressed the will of people or attacked the people, and he is rightly a freedom fighter in every sense. That I understand. मेरे ख्याल से आशीष, अगर if you can hear us now, देख लेते हैं. Yes, sir. कुछ कह रहे थे, कुछ ऐड करना चाह रहे थे. मेरा एक पॉइंट था, ये जो भगत सिंह का इंटरनेशनल पॉलिसीज को लेके जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि उस टाइम शायद फ्रांस और जर्मनी की फाइट चल रही थी उस टाइम 1930s ऑफ टाइम, तो उनका एक पॉइंट था कि जब सब एक साथ होके रहेंगे, इंटरनेशनल शिप ऐसे कुछ एक टर्म होता है, तो अगर कोई बंदा टेररिस्ट है तो उसका एक ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा ही नहीं कि वो यूनिटी चाहता है, वो वॉर खत्म करना चाहता है. तो आई डोंट थिंक वो कोई टेररिस्ट थे, और ब्रिटिशर्स ऑलरेडी उनसे काफी डरे हुए थे, इसीलिए शायद उनकी जो फांसी की डेट थी उसको उन्होंने एक दिन पहले कर दिया, 24th था आई थिंक, उसको 23rd करके वो काफी हिडन तरीके से किया गया. तो आई थिंक ये ब्रिटिशर्स की इनसिक्योरिटी शो करता है, और हमको भी भारत रत्न या पद्मश्री जैसे बड़े अवार्ड्स उनको सम्मानित करना चाहिए, जिससे और क्लियर हो जाए पॉइंट. ओके ओके, तो आई गेस सो दैट वी हैव, क्योंकि कुछ लोग जो उन्होंने रजिस्टर किया था वो या तो रुके नहीं, रुकने के बाद फिर भाग गए, है ना. एक हर्ष का हाथ मुझे दिख रहा है, इट्स द लास्ट हैंड विच आई कैन टेक फॉर द टुडेज डिस्कशन. हर्ष, इफ यू हैव एनीथिंग मोर टू ऐड. कुछ नहीं है अभी. अच्छा, ओके. यस सर. है तो फिर बता दीजिए. So I would say ki anyone who accept the announcement of hanging against him happily shows how immensely he loved his country, and with the fact that he did not purposely hammered anyone, he only retaliated against the British personnel. So it clearly shows he can only be regarded as freedom fighter and never be a terrorist. Never a terrorist. Yeah, there is absolutely no doubt about it. In fact, this is what we are not debating, rather than we are having a discussion that there should be, and this is, I guess so, which has been added by Shivane as well, Kushagra as well as Somesh as well, ki somewhere down the line we have to rally for this, that he should not be even labeled as a terrorist by international community, especially the British government. And definitely in our country it has to completely be stopped, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे हम कुछ भी बोलने दे देते हैं ना, तो बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चंस उठाते हैं इस तरीके के, और हमें शायद उस चीज को भी जो है कर्ब करना चाहिए. एंड स्पेशली गवर्नमेंट हैज़ टू टेक प्रोएक्टिव मेजर्स एज वेल एज स्टेप्स टू कंप्लीटली डिसरिगार्ड दीज काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज अगेंस्ट आवर फ्रीडम फाइटर्स. बीट भगत सिंह इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट शाइनिंग एग्जाम्पल्स ऑफ दैट, बट इसको छोड़कर भी, या इनको छोड़कर भी, बहुत सारे लोगों के लिए कभी कभार क्वेश्चन उठते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं था या वैसा नहीं था, एंड सो ऑन. तो सिंस द फ्रीडम हैज़ बीन वॉन्ट टू अस एंड वी लिव इन अ फ्री इंडिया, सो इट इज़ आवर ड्यूटी ऑल्सो टू idealize our freedom struggle as well as the freedom fighters of our country, and we should take necessary steps to also get it out from the international community's mind as well.
क्योंकि नाउ ही इज एन एस्टैब्लिश्ड फ्रीडम फाइटर, है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और यही चीज मेरे ख्याल से हम सभी ने बोली और सभी ने मेरे ख्याल से एम्ब्रेस भी किया। तो सिंस वी डू नॉट हैव मच ऑफ टाइम नाउ, तो आई थैंक यू ऑल फॉर प्रेजेंटिंग योर पॉइंट ऑफ व्यूज एज वेल एज पार्टिसिपेटिंग।